नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चले रुक करते हैं खबरों का। पंजाब के अमृतसर में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुए। पत्रकारों के साथ बात करते हुए सुखबीर बादल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि अमृतसर के नुकसान का सबसे बड़ा जिम्मेदार नवजोत सिंह सिद्धू है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बर्बादी की तरफ ही जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ पर सुखबीर सिंह ने कहा कि चाहे सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं एसआईटी और एसटीएफ की सुनवाई पर कहा कि कोर्ट के मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सारे इकट्ठे हो जाएं, जय जिया सरकार की करतूत है। मतलब पंजाब की जनता ने ऐसा सबक सिखाना इस पार्लियामेंट इलेक्शन। मैं इन्ना ही कहना चाहना है, असी उदो भी कहते सी कि बाहरों नशा पाकिस्तान से आ जिम्मेवार है, उत्थों आंदा है। ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਯੇ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक बेरहम पिता की करतूत सामने आई है। मामला जनपद के थाना गजरौला इलाके के मोहल्ला जलाल नगर का है, जहां बेरहम पिता इस्लाम ने अपने 3 मासूम बच्चों को सिर्फ इसलिए विद्युतीय पोल पर रस्सी से बांधकर पीटा क्योंकि इन बच्चों ने 10 रुपए खो दिए थे। वहीं मोहल्ले के लोगों ने अपने फोन में फोटो खींच ली और वायरल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर युवक इस्लाम मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बच्चे को मारता है ये, बच्चे को मोहल्ला ऊपर वालों को मारता है ये। काम कुछ करता नहीं है। ऐसा 10 दुकान पे आए थे, सौदा लिया था, सौदा लेकर पैसे दिए नहीं थे। जब 10 रुपए दिए, 10 रुपए नहीं, मैंने सौदा दे दिया, बाद में चले गए। बोले 20 का नोट दिया था, मतलब 20 नहीं है, 10 का दिया था चकली का। अब ना पता रास्ते में गिराया है, कहाँ गिराया है। अब बच्चों को यहाँ से ले गई, वो माँ ले गई है, बाप ने टांगे है बच्चों को, बांध कर तलाक पर सबसे आखिर में लड़की है, डेढ़ इंच मोटा डंडा, रस्सी में बांध के डंडा लेके जब मार लगाई थी इन पे, तो मोहल्ले वाले से देखा नहीं गया, मोहल्ले वाले पहुंच गए। अमरोहा से प्रिंस अग्रवाल की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी, देन आई फाउंड manglix.com। शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। टू रजिस्टर ऑन manglix.com यूज प्रोमो कोड nation1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने बसपा पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एमएलसी बंधुओं ने परिजनों के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को बिना अनुमति के न सिर्फ खरीद लिया था बल्कि जबरन अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके चलते पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ IPC धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए हैं। जबकि MLC महमूद ने पुलिस की इस कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न बताया है। मुकदमा अपराध संख्या 155/18 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ है। इसमें अभियुक्त जावेद को पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही, विवेचना प्रचलित है। सहारनपुर से सुनील सैनी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां मुगलसराय GRP पुलिस ने दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग के दौरान 6 किलो सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस द्वारा सोने की कीमत 1,80,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये तस्कर सोने को हावड़ा से नई दिल्ली ले जा रहे थे। आपको बता दें कि बीते 3 महीनों में मुगलसराय स्टेशन से चेकिंग के दौरान 50 किलो सोना बरामद हो चुका है। वहीं GRP ने तस्कर को DRI की टीम को सौंप दिया, जहाँ DRI की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये दुरंतो ट्रेन के A1 कोच से एक व्यक्ति पकड़े गए हैं, शिवराज सिंह, जिनके पास से 6 kg गोल्ड बरामद हुआ है और ये हावड़ा से दिल्ली लेके जा रहे थे और DRI की टीम को सूचना दे दी गई। DRI की टीम आ गई है, अग्रिम कार्रवाई DRI की टीम द्वारा की जाएगी। इसकी कीमत लगभग 1,80,00,000 रुपए है। चंदौली से अजय राय की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।